पीवीसी पाइप हाउस शवर। राजेंद्र नगर नाम के गांव में विपुल नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। वो पीवीसी पाइप्स बेचने का धंधा करता था। एक दिन विपुल ने अपने मैनेजरों को बुलाया। डियर फ्रेंड्स, पिछले साल के मुकाबले में इस साल 25% सेल गिर गया है, क्या आप लोगों ने सेल्स बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढ निकाला है? सर, आजकल लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं सर, हमारे कंपटीशन में कुछ नई कंपनियां भी आ गई हैं सर, उससे भी हमारे सेल्स में गिरावट आई है। देखो गौरव, तुम मुझे यूं बेकार के एक्सप्लेनेशंस ना दो। एक महीने के अंदर अंदर अपने सेल्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वरना तुम सब कोई नई नौकरी ढूंढ सकते हो, कहकर चला गया। अगले दिन गौरव के पास मुन्ना नाम का एक प्लम्बर आया। अरे साहब, मैं एकदम खाली बैठा हूँ, मुझे कोई काम दीजिए ना। अरे भैया, अब हमारे पास ही काम नहीं है, अगर कुछ दिनों में हमारा सेल्स नहीं बढ़ा तो हमारी नौकरी भी जाती रहेगी, अब ऐसे में मैं तुम्हें क्या काम दूंगा। अरे साहब जी, सेल्स बढ़ाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो मैं बताऊं। अरे वाह, एक तुम ही हो जो बचे थे भैया, अब तुम ही बता डालो। लेकिन याद रखना, अगर कोई फालतू का आइडिया दिया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा मैं। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, मैं आपके साथ मजाक करूंगा? हम पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल सिर्फ घर बनाने के लिए करते हैं, है ना सर? लेकिन ऐसा ना होकर अगर हमने रोजमर्रा के जिंदगी में पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल किया, जैसे पीवीसी पाइप हाउस शवर, स्विमिंग पूल शवर, मंदिर के पास नहाने वाले और छोटे बच्चों के लिए घर में शवर बनाकर दिया, तो ऑटोमेटिकली पीवीसी पाइप्स के सेल्स में बढ़ोतरी होगी। भाई तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, पर हमारे साहब जरा पागल हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। लेकिन धंधा चाहिए, और खास तौर पर तुम जैसे प्लम्बर की बात तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तुम एक काम करो, हमारे पास से कुछ पीवीसी पाइप्स ले जाओ, और जो तुम कह रहे थे पीवीसी पाइप हाउस शवर, उसका डेमो बनाओ। तब मुन्ना वहाँ से कुछ पाइप्स ले गया, और मेहनत करके कुछ ही दिनों में उसने पीवीसी पाइप हाउस शवर बनाया। एक दिन उसने गौरव को उसे दिखाया। उसे देखकर गौरव ने उसकी खूब तारीफ की। तभी कुछ ही देर में विपुल पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा। फिर एसआई को देखकर विपुल, सर यही मुन्ना है, इसी ने हमारे कंपनी से पीवीसी पाइप चुराए हैं, इसे आप तुरंत गिरफ्तार कीजिए। अरे गौरव सर, ये सब क्या हो रहा है, मैंने क्या चोरी किया, जरा आप ही समझाइए ना। विपुल सर, मुझे माफ कर दीजिए। एसआई साहब, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। सर, ये पीवीसी पाइप हाउस शवर मुन्ना ने बनाया है, इसे दिखाने के लिए ही मैंने आपसे झूठ कहा था कि मुन्ना ने चोरी किया। वैसे बुलाता तो आप आते नहीं, आप हमारी बात तो सुनते नहीं। तब विपुल और एसआई दोनों जाकर उस पीवीसी पाइप हाउस शवर को देखने लगे। वहां दो व्यक्ति नहा रहे थे। वो देखकर एसआई, अरे वाह मुन्ना, ये तो बहुत बढ़िया है, अगर इसे मेरे घर के बाहर मैंने लगा दिया तो मेरे दोनों बच्चे बस मौज करेंगे। सुन मुन्ना, मुझे तुरंत एक पाइप चाहिए। हाँ, ये खास बात है, अगर नहाने के लिए इस पाइप को इस्तेमाल करें तो पानी भी बर्बाद नहीं होगा, जरूर बना के दूंगा ना सब। वेरी गुड मुन्ना, वेरी गुड गौरव, पहले कुछ एड्स देकर इसे मशहूर करते हैं, बाद में हम ही ये शवर्स बनाएंगे और दुकानों में बेचेंगे, कहकर उसने मुन्ना और गौरव की खूब प्रशंसा की। इतना ही नहीं, उसने मुन्ना को अपने कंपनी में अच्छी नौकरी भी दी।